लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। गुजरात के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीमों को तैयार रहने को कहा। गुजरात के विभिन्न इलाकों में रविवार शाम से भारी बारिश जारी है। राज्य में सबसे अधिक बारिश वलसाड के उमरगांव तालुके में दर्ज की गई है। यहां बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां लगभग 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के चलते गुजरात के कई इलाकों में जनवरी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पानी भर जाने से रेलवे व सड़क परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। बारिश के कारण भिलाड से संजन के बीच रेल संचालन प्रभावित है। यहां पटरियों के किनारे मिट्टी का कटाव हो गया है। नई दिल्ली, गुजरात के विभिन्न इलाकों में रविवार शाम से भारी बारिश जारी है। राज्य में सबसे अधिक बारिश वलसाड के उमरगांव तालुके में दर्ज की गई है। यहां बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां लगभग 204 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के चलते गुजरात के कई इलाकों में जनवरी जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जगह जगह पानी भर जाने से रेलवे व सड़क परिवहन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। वलसाड में तालाब में अधिक पानी भरने से पानी गांव व सड़कों पर भर गया है। नारगोड़ा और मरोली इलाकों के कई हिस्से पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार गुजरात के तटीय इलाकों से केरल तक एक मानसून रेखा बनी हुई है। इसके चलते इन इलाकों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। यह बारिश अगले 3 दिन जारी रहने का अनुमान है। गुजरात में मानसून के आगे बढ़ने का सिलसिला आज भी जारी है। सूरत, अहमदाबाद, अमरेली, भावनगर, वेरावल, सुरेंद्र नगर, वडोदरा समेत कई स्थानों पर रविवार को भारी वर्षा हुई। भारी बारिश से राज्य में बिगड़ते हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की लगभग 10 टीमों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। भारी बारिश के चलते गुजरात में रेलवे की सेवाओं पर भी असर पड़ा है। वेस्टर्न रेलवे ने जानकारी दी है कि भारी बारिश के कारण भिलाड से संजन के बीच रेल संचालन प्रभावित है। यहां पटरियों के किनारे मिट्टी का कटाव हो गया है। गुजरात बरसात, राज्य में 105 तालुका और 23 जिलों में बरसात। सबसे ज्यादा वलसाड के उमरगांव तालुका में 204 मिलीमीटर यानी कि 8 इंच बरसात हुई। राज्य में 0.50 मिलीमीटर बरसात वाले 157 से 125 मिलीमीटर बरसात वाले 29 तालुका, 126 से 250 मिलीमीटर 6 तालुका, 251 से 500 मिलीमीटर 1 तालुका उमरगांव में बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात, तालाब टूटने से पानी गांव और सड़कों में फैला। नारगोल और मरोली रोड पूरी तरह पानी में डूबे।